एवरीवन, मैं मिसबा ब्यूटी 9 से आज हम देखेंगे आपको ग्रीन आई शेडो कैसे लगाना है। मैंने एक वीडियो में बताया है, वो कौन सा वीडियो है? वो एक वीडियो है, उसमें काफ़ी लोगों ने पूछा है कि आप ये आपकी आईज़ बहुत अच्छी लग रही है, आप प्लीज़ बताइए मुझे कि ये ग्रीन आईज़ कैसे करना है, ये आई लुक आप दिखाइए वीडियो में। तो मैंने सोचा आज अच्छा टाइम है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फेस मेकअप कर लिया है, मैंने आईज़ प्राइम कर ली है कंसील करके और उसे पाउडर से कंसीलर को सेट करके, जैसा हम हर वीडियो में करते हैं। अब हम देखेंगे ट्रांजिशन शेड, तो मैं ये पैलेट ले रही हूँ चुमीदी, ये मैंने ईबे से लिया है, ये बहुत अच्छा पैलेट है, मुझे सेल में बहुत अच्छे रेंज में मिला और अभी मैंने जब बाद में देखा तो ये 2000 का हो गया था, पर इसके कलर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत पिगमेंटेड है, ये देखिए इतना ज़्यादा, बस टच करते ही पूरा कलर आपके हाथ में आता है। एक बार क्लीन करते हैं इसको, वरना मैं मेस क्रिएट कर दूँगी। हाँ, तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्रांजिशन कलर्स पे, और ये थोड़े शिमरी हैं मगर मुझे बहुत सटल शिमर लगता है, इसलिए मैं आज ये यूज़ कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ ट्रांजिशन के लिए, जो कि थोड़ा ऑरेंजिश गोल्ड है। आपको क्रीज में हमेशा मैट कलर यूज़ करना होता है, बट आज मैं शिमर से ट्राई कर रही हूँ एक बार। अब मैं ये ऑरेंज कलर, ये वाला कलर ले रही हूँ थोड़ा सा इसको, क्योंकि ये बहुत ही पिगमेंटेड है, देख रहे हैं हम। ओह गॉड, वो एक ही बार में दोनों तरफ हो जा रहा है, मैंने सिर्फ यहाँ प्लेस किया है, इसे ब्लेंड करना होगा अभी। ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, नाइस कलर। वेरी नाइस। हम लोअर लिड बाद में करेंगे। अब मैं अपने कैमलिन के पैलेट से ले रही हूँ, जो कि मैंने एक्चुअल आई लुक इससे किया था। उसमें मैं थोड़ा ये डार्क वाला कलर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी क्रीज थोड़ी और हाईलाइटेड चाहिए। सेम ब्रश, ये वाला डार्क ब्राउन, हमेशा हमें कॉर्नर से स्टार्ट करना है और आगे मूव होना है। हमें कभी भी आईज क्लोज करके नहीं करना है, आप हमेशा सामने देखें मिरर में, और उसके बाद जितना आप कलर बिल्ड करना चाहें उतना कलर बिल्ड कर सकते हैं। तो ये क्रीज रेडी है हमारी। वाओ, सॉरी, ये फ्लैट ब्रश लेंगे हम। मैंने ये कलर, ये वाला ग्रीन और ये थोड़ा मिक्स किया था, तो मैं सेम चीज़ कर रही हूँ। डेफिनेटली ये ऐसा ही करता है, तो हम इसे थोड़ा वेट करेंगे। अब हम कलर लेंगे, अब देखिएगा इतना अच्छा कलर पिगमेंट आएगा। Just look at this. Perfect. आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं कि आप पैलेट में एक बार स्प्रे कर दें, ये रोज वाटर है, आप पानी से भी कर सकते हैं, तो ऐसे भी वर्क करना इजी होता है। ऐसा अगर हो जाए आपके साथ, तो जो आपका फाउंडेशन का ब्लेंडर है उसे लेके ब्लेंड कर लें, तो वो ठीक हो जाएगा। जो हमने जिसे क्रीज बनाई थी उससे एक बार स्मूथ कर रहे हैं, ताकि ये ग्रीन जो है वो कट क्रीज
जो हमारी क्रीज है उससे पूरा ब्लेंड हो जाए और कोई भी शार्प लाइन ना रहे और हमारा शैडो एकदम स्मूथ और ब्लेंडेड दिखे। सेम जो हमने इस तरफ किया है ट्रांजिशन कलर्स में यूज़ किया है वही चीज़ हम लोअर लिड के लिए यूज़ करेंगे। तो हम सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। थोड़ा मैं फ्लैट ब्रश ले लेती हूँ क्योंकि लोअर लिड में वर्क करने के लिए फ्लैट ब्रश बेस्ट रहता है, ये वाला थोड़ा एंगुलर। तो मैं ये गोल्ड अब ये वाला ऑरेंज, ये वाला जो हमने लिया था सिर्फ इसे हम आउटर हाफ में लगा रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा ये जो डार्क ब्राउन है इसका शेडिंग देंगे, बहुत हल्का, ज़्यादा नहीं, ताकि जो हमारी ये क्रीज है उससे मैच कर जाए हमारा लोअर लैश। अब हम लाइनर लगाएंगे, मस्कारा लगाएंगे और लुक कंप्लीट करेंगे। तो लाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन हाइपोग्लॉस, मेरा फेवरेट लाइनर। तो हम पकड़ते हैं इसे, कुछ लोग बोलते हैं कि वो हमें लाइनर लगाना सिखाइए, तो मेरा उस पर भी वीडियो है, आप सेपरेटली वो देख सकते हैं। कुछ लोगों को नहीं आता है लगाने, कई बार कमेंट्स में आपने पूछा है कि मुझसे सही लाइनर ही नहीं लगता है तो फिर इतना मेकअप कैसे करें। आपको सिर्फ प्रैक्टिस लगेगी, मुझे भी हमें शुरू से नहीं आता था, मैंने भी प्रैक्टिस की है तब इतना हुआ है। मैं कब से प्रैक्टिस करी थी आपको पता है, मैं 8th स्टैंडर्ड से लाइनर लगाने की प्रैक्टिस कर रही थी। तो ये लाइनर कंप्लीट हुआ, अब मस्कारा लगाएंगे। मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा मेबलिन हाइपर कर्ल मस्कारा, सबको पता ही है मेरा फेवरेट है। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अपने वीडियोस में ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट्स यूज़ ना करूँ, क्योंकि किसी को भी कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता मेकअप में और उसके बाद उन्हें बहुत फ्लॉलेस और बहुत अच्छा मेकअप चाहिए। मैं कोई भी प्रोडक्ट बताती हूँ तो कहते हैं लोग के आप थोड़ा सा अफोर्डेबल बताइए। तो ये हो गया मस्कारा। थोड़ा सा मुझे डेप्थ चाहिए कॉर्नर्स पे, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये प्लम नेचर का काजल। सिर्फ कॉर्नर्स पे, मैं मेरे ऑलमोस्ट सारे लुक्स पे ये रहता ही है कि मैं कॉर्नर में थोड़ा सा डेप्थ देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये। सिर्फ मैंने कॉर्नर पे काजल लगाया है, इसे मुझे आई शेप जो मिलता है वो बहुत पसंद है। अब मैं लैशेस लगाती हूँ, लैशेस पे भी मेरा एक अलग से वीडियो है, आप अगर लगाना सीखना चाहते हैं तो वो वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। अब लैशेस को
हाइड करने के लिए हमें ऊपर से लाइनर लगाना होता है उसके ऊपर. ताकि जो उसका ग्लू है वो हाइड हो जाए. हो गया आई लुक. आई होप आपको ये अच्छा लगा हो. ये हो गए हमारी ग्रीन आईज. तो आई होप आपको ये अच्छी लगी हो. अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें. थैंक यू.